और यहाँ पर एक भाई भी हैं जो भी यहाँ पे रोज आते हैं, मिसल पाव खाते हैं, तो आपको टेस्ट कैसा लगता है भाई? जबरदस्त, लाजवाब लाजवाब कड़क। यहाँ पे भाई आ चुका है अपना मिसल पाव, जो कि भाई यहाँ पे ग्रेवी देखो, एक नंबर ग्रेवी है ये, और मतलब गाढ़ी ग्रेवी एकदम मस्त है। और यहाँ पे अपना दो पाव मैंने एक्स्ट्रा ले लिया हूँ, जो कि 7 रुपीज़ का है, तो मुझे सब मिला जुला के 37 रुपीज़ पड़ जाएगा ये चार पाव और ये मिक्सल का। यहाँ पे आ जाएगा अपना जूस भाई, ठंडा ठंडा है, आप लोग भी आओ पियो और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इसको। भाई लोग यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सबसे पहले टेस्ट, जो कि यार पाव एकदम सॉफ्ट है, मस्त है, और यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं टेस्ट फाइनल कैसा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ कामगार नगर में, और आज यहाँ पर मैं ट्राई करने वाला हूँ मिसल पाव, वो भी 30 रुपीज़ में, और वो भी कामगार नगर में। और यहाँ पे फाइनली आप लोग को आना है भाई तो कुरला से इजीली आ सकते हैं, क्योंकि ये कुरला में ही पड़ता है। यहाँ पे सामने के साइड में देखेंगे तो ये जो राइट साइड में रास्ता आप लोग को दिख रहा है, ये कुरला रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, और यहाँ से आके आप लोग लेफ्ट मारेंगे और इधर के साइड में, आगे के साइड में मैं जाऊँगा, जो कि ये हाथ का आप लोग को ये मसाल दिख रहा है, मसाल के आगे ही आप लोग को देखने मिलेगा मिसल पाव। तो वहाँ पर चलता हूँ मैं, आप लोग को दिखाऊँगा मिसल पाव में क्या कुछ वो देते हैं 30 रुपीज़ के अंदर। मुझे जहाँ तक लग रहा है दो पाँव और मिसल वगैरह रहेगा, तो वहाँ पे चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ वो हम लोग को खिलाएंगे 30 रुपीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। इससे पहले भाई मिसल पाँव मैं कभी नहीं ट्राई किया हूँ, वैसे व्लॉग नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं खाया हूँ, और यहाँ का तो कभी नहीं खाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे, खाते पीते हैं, टेस्ट बताएंगे कैसा रहेगा। चलो चलते हैं फटाफट, चल के ही देखते हैं। फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, आप लोग देखेंगे तो कामगार नगर का यहां पे इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और जस्ट यहां से हम लोग आए हैं, वहीं पे खड़े हुए थे, और यहां पे भाई इनकी दुकान है जहां पे हम लोग जाके अभी ट्राई करने वाले हैं। इनके पास में बहुत सारा आइटम मिलता है भाई, तो अभी इनसे चल के पूछता हूँ कि इनके पास में क्या क्या है, और आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या इनके पास में मिल जाएगा। चलते हैं अंदर यहाँ से, और भाई साहब इनके पास देखो यहाँ पे बोर्ड लगा है सबसे पहले तो मस्त, यहाँ पे तो यहाँ पे अपने सर बैठे हैं, तो सर सबसे पहले आप बता दो कि अपने पास में क्या क्या मिल जाएगा। सर सुबह से मिसल पाव, पूड़ी भाजी और समोसा, वड़ा भजिया और मिलता है, फिर उसके बाद 11 बजे के बाद लंच चालू होता है। अच्छा अच्छा, ये थाली में क्या क्या देते हो आप? थाली में 3 चपाती रहती है, राइस रहता है, दाल रहता है, 2 सब्जी रहती है, सब्जी रोज़ रोज़ चेंज रहती है। अच्छा, रोज अलग अलग सब्जी, और अचार है और कांदा नींबू तो जो आता है ये आता है। और इसका रेट क्या है? 60 रुपये में। 60 रुपये में मतलब इतना सब पेट भर के खा सकते हैं। जी जी। तो अभी हम लोग को मिसल पाव खाना है, तो वो कितने का है? मिसल पाव सर 30 रुपये। 30 रुपये का, उसमें क्या क्या आएगा? 2 पाव आएगा, मिसल आएगा, कांदा नींबू। अच्छा अच्छा, 2 पाव मिसल आएगा, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में मिल रहा है। और अलग से पाव लेंगे तो कितने का आएगा वो? 7 रुपये का 2 पाव है। 7 रुपये का 2 पाव अलग से। ग्रेवी का चार्ज, अगर अलग से ग्रेवी लेते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा, ग्रेवी का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पाव का चार्ज है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, बाकी इनके पास में बहुत सारा नाश्ते का आइटम। कितने बजे से कितने बजे तक दुकान चालू रहती है? सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चालू रहती है, बाकी नाश्ता वास्ता मिलता है। और ये खाने का कितने बजे से कितने बजे तक बताएं? खाने बजे का 11 से 3। 11 से 3 उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, जो कि भाई साफ़ सफाई भी एक नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं और ट्राई करते हैं मिसल पाव खाते हैं, और आप लोगों को बताएंगे कैसा पूरा टेस्ट रहेगा। यहाँ पे भाई आ चुका है अपना मिसल पाव, जो कि भाई यहाँ पे ग्रेवी देखो, एक नंबर ग्रेवी है ये, और मतलब गाढ़ी ग्रेवी एकदम मस्त है। और यहाँ पे अपना 2 पाव मैंने एक्स्ट्रा ले लिया हूँ, जो कि 7 रुपीज़ का है, तो मुझे सब मिला जुला के 37 रुपीज़ पड़ जाएगा ये 4 पाव और ये मिक्सल का। और यहाँ पर देखो भाई कांदा वांदा दे दिया है नींबू में मस्त, जो कि देखने में भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसको खाटते हैं और आप लोग को टेस्ट बताते हैं कैसा रहेगा, जो कि भाई खुशबू भी मस्त आ रही है, तो ये खाते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसा टेस्ट रहेगा। भाई लोग यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सबसे पहले टेस्ट, जो कि यार पाव एकदम सॉफ्ट है, मस्त है, और यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं टेस्ट फाइनल कैसा रहेगा। तो ग्रेवी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ग्रेवी मतलब पूछता हूँ इसके अंदर क्या क्या डालते हैं, जो कि यार इतना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर आप लोग भी खा लो भाई, ये पहला निवाला है, और यहाँ पे इसको ऐसा खाते हैं। कांदा भी है, दिल खुश हो गया भाई। कम से कम 1-1.5 साल के बाद में मैं मिसल पाव खा रहा हूँ, जो कि पहले मैं जाता था जॉब पे तो खाता था, लेकिन अभी जब से जॉब अब छोड़ दिया हूँ, आज मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया भाई खा के, पूरा माइंड फ्रेश हो गया। आप लोग ज़रूर आना यहाँ पर खाना। और अभी सर से पूछता हूँ कि ये टेस्ट का राज क्या है, उनसे ही जानेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या डालते जो इतना टेस्टी है। बाकी ये पूरा फिनिश करते हैं, उसके बाद में आपसे बात करते हैं।
तो खत्म हो गया और हम लोगों ने यार सिर्फ चार दो पाँव एक्स्ट्रा लिए थे ना, बाद में दो पाँव और एक्स्ट्रा लिए क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा था। और सैनोज भाई का तो अभी बचा है, दिखाओ सैनोज भाई। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं टेस्ट इतना अच्छा था जो कि यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगे बहुत से यहाँ पे क्या क्या आइटम था जो कि अभी हमें सही से नहीं मालूम पड़ा, जो कि अभी हम चलते हैं सर से बात करेंगे इसके बारे में क्या क्या इसमें चीज़ डाले हैं जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें हम लोग को दो ही पाव था जो कि हम लोग छः पाव खा चुके हैं। अभी आगे सर से हम बात करके आपको दिखाते हैं। टेस्ट एक नंबर है, यहाँ पे आके आप लोग ट्राई करना। सैनोज भाई देखो आज इनको तेज भी नहीं लग रहा है, आज तेज भी नहीं लग रहा है, मज़ा आ गया भाई खा के। और अभी ये पूरा देखो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाई मिसल पाव ट्राई कर लिया और यहाँ पर एक भाई भी है जो भी यहाँ पे रोज आते हैं मिसल पाव खाते हैं। तो आपको टेस्ट कैसा लगता है भाई? जबरदस्त, लाजवाब, लाजवाब, कड़क। तो देखो भाई यहाँ पर आप लोग आओ और यहाँ पर आओ, आप लोग टेस्ट करो जो कि भाई ने जैसा बताया कि भाई कड़क एकदम टेस्ट रहता है। तो सच में बता रहा हूँ, मैं भी खाया यार, मज़ा आ गया। और यहाँ पर एक भाई और है, आप भी खाते हो यहाँ पे? मैं भी खाता हूँ, मैं आता हूँ एक एक हफ्ते में एक दो बार आता हूँ। अच्छा अच्छा, इधर का मिसल का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे जैसे थाली वगैरह भी खाए हो? नहीं, थाली का भी ट्राई नहीं किया। थाली भी खाया हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ है, दाल राइस है, अच्छा अच्छा, प्लेन राइस भी है, मसाला राइस है, पूरी सब्जी है, मतलब सस्ते में अच्छा खा सकते हो, पेट भर के खा सकते हो। और एक बार यहाँ का एड्रेस बता दो। कामगार नगर, ये अपना कुर्ला स्टेशन से 500 मीटर है ईस्ट में, कामगार नगर। किसी से भी पूछेंगे नंदीकेश्वर मंदिर, उसके बगल में ये दुकान है, नंदीकेश्वर मंदिर ही है सामने। हाँ सामने, तो देखो यहाँ पे सामने है, उसके जस्ट सामने यहाँ पर आके आप लोग खा सकते। और ये टेस्ट का राज क्या है? जैसे अभी मैंने खाया, उसमें क्या क्या ऐसा डालते हो जिससे इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है? सब अपना अपना अलग अलग। अच्छा, वो सिगरेट है, बता नहीं सकते, कोई नहीं बताएगा। अच्छा अच्छा, ये कारीगर है क्योंकि सब लोग मिलके बनाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि एक फिक्स से सब कोई बनाते हैं। अच्छा, सब बनाते हैं मिलके। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो भाई इनके पास में बहुत सारा है, जैसे समोसा वगैरह है। और यहाँ पे मैं बहुत जल्द आके थाली भी ट्राई करूँगा इनका, आज थोड़ा लेट हो गया आने में, नहीं तो मैं यहाँ पे आके थाली भी ट्राई, आज थाली ही का स्पेशल वीडियो बनाने आया था मैं यहाँ पे, लेकिन वो मिला नहीं, तो मैं सोचा कि चलो मिसल ट्राई कर लेते जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के भाई, दिल खुश हो गया। बाकी यहाँ पे समोसा है और ये सब भी आप लोग को मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह यहाँ पे आके आप लोग कर सकते हैं। और ये कचौरी भी है यहाँ पे, दही कचौरी। अच्छा दही कचौरी है, अच्छा दही के साथ में। तो यहाँ पे दही कचौरी भी आप लोग को मिल जाएगा। और पार्सल वार्सल का कुछ सिस्टम है यहाँ? जी जी, पार्सल का सिस्टम। वो कैसे भेजते हो आप? भेजते नहीं सर, आके ले जाते। अच्छा, आके लेके जाना पड़ता है, वैसा नहीं है पार्सल, आप नहीं भेजते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को पार्सल लेना है तो भाई आके यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी हम लोगों ने ट्राई कर लिया, मज़ा आया, अच्छा लगा। बाकी चलते हैं अभी बाहर, देखते हैं और क्या कुछ हम लोग खाएंगे पियेंगे वो भी दिखाऊंगा, चलते हैं बाहर। फाइनली अभी यार मैं वहाँ पे मिसल पाव ट्राई करके यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से आप लोग कैसे जा सकते हैं। जैसे ये सामने जो रास्ता गया है ना, ये कुर्ला रेलवे स्टेशन की तरफ गया सीधा सीधा, और यहाँ से आएंगे तो ये कामगार नगर जाने वाला रास्ता है। यहाँ से रास्ता जाएंगे सामने भाई एक बहुत बड़ी मंदिर आएगी, मंदिर के जस्ट सामने आप लोग को वो दुकान देखने मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा जूस वगैरह पीते हैं। हाँ सैनोज भाई? हाँ भाई, जूस पीते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा जूस मांगता है ना भाई, क्योंकि मिसल पाव इतना अच्छा था जो कि मिसल हम लोग दो ही पाव खाने के बजाय चार पाव खा लिए एक्स्ट्रा, जो कि छः पाव कर दिए। थोड़ा भी जूस मांग, थोड़ा प्रोटीन बनाना ना पड़ेगा ना बाहर। और हम लोग यार ज़्यादातर ट्राई क्या करते पता है, गन्ने का जूस हो गया या फिर एप्पल जूस हो गया, ये सब क्यों हम लोग पीते पता है? इसमें थोड़ा सा फ़ायदा रहता है, इसमें नेचुरल मतलब प्रोटीन मिलता है। तो वो देखते हैं, आगे चलेंगे अभी यहाँ पे कुर्ला के साइड में स्टेशन की तरफ चलेंगे, वहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जूस अपने को कहाँ अच्छे में मिलेगा। वैसे आप लोग कमेंट करेंगे ना भाई, तो कुर्ला में स्टेशन के पास में बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, तो वहाँ पे भी जाके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि वहाँ पर वड़ा पाव, जम्बो वड़ा पाव वो सब मिलता है। तो वहाँ पर भी बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, कुर्ला नियर स्टेशन के पास में स्ट्रीट फूड ट्राई करूँगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग वो भी रहेगा। चलते हैं अभी स्टेशन के पास में, जूस ट्राई करते हैं कहाँ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गन्ने के जूस के दुकान पे और यहाँ पे मैं ऑर्डर करके हूँ भाई अभी गन्ने का जूस पीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चल चल गई गर्मी। वहाँ सैनोज भाई गर्मी कितनी लग रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी डाउन है, इसके लिए थोड़ा आवाज़ बहुत सीधे जा रही होगी आज, कोई बात नहीं, फिर भी गन्ने का जूस पी के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे बना रहे चाचा अपना गन्ने का जूस, उसमें मसाला वसाला डाल देना। हाँ तो मसाला वसाला डाल देंगे। बाकी यहाँ पे ये लाइट इनकी एक ख़राब है, हाँ यहाँ पे ये बिलिंग कर रही है। चलो ठीक है, अभी ये गन्ने का जूस पीते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे आ चुका है अपना जूस, और इसको पहले यार मैं सीधे हाथ में ले लूँ क्योंकि उल्टे हाथ से नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाए अपना जूस भाई, ठंडा ठंडा है, आप लोग भी आओ पियो और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इसको। आ जाओ, 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 आ
मस्त है भाई, टेस्ट एक नंबर है। और इसमें इन्होंने बर्फ़ अलग से डाल के दिया है जो कि टेस्ट अच्छा है। पीते पूरा ख़त्म करते इसको। ठंडा है थोड़ा। हेलो, जरा एक दो मिनट तुम ही जाओ। हेलो, खत्म नहीं हो रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं और चलते हैं आगे। भाई लोग जूस खत्म हो गया, आप थोड़ी सी एनर्जी आई, अब चलते हैं थोड़ा सा। यहीं पे बाजू में एक पार्क है, पार्क के पास चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पार्क दिखा देते हैं, जैसे खाना वाना खाए जूस वूस पिए, तो पार्क में चल के थोड़ा सा टहलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी गार्डन पे पहुंचने से पहले ना, यहाँ पे एक साईं बाबा का मंदिर है, टेम्पल है यहाँ पे, देख लो। और यहाँ पे आगे के साइड में गार्डन है, तो चलते हैं गार्डन के पास। और यार एक सीन हो गया, मैं गन्ने के जूस की दुकान इसलिए नहीं दिखाया आप लोग को क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बार नहीं तीन बार उनको बोला था ये 10 वाला देना 10 वाला देना, और उन्होंने देने के पहले ये नहीं बोले कि 10 का है कि 20 का है। और जब हम लोगों ने पी लिया तो उसके बाद में बोलते हैं भाई 20 रुपये वाला था, तो मतलब इस तरीके से बात उन्होंने किया। इसके लिए मैं आप लोगों को वहाँ पे दुकान नहीं दिखाया कौन सा था, क्योंकि यार जब बार बार इंसान बोल रहा है कि 10 वाला देना तो उनको 10 वाला ही देना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, खैर पी लिए हो गया, एनर्जी आ गई। चलते हैं अभी पार्क के पास और आप लोगों को दिखाते हैं पार्क का कैसा नज़ारा है, क्योंकि यार इस तरीके से यार कुर्ला में सीन हो गया यार। चलो कोई बात नहीं है, होता है, 10-20 रुपए के लिए क्या है किसी को बोलना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का नज़ारा है भाई, ये पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है। इसके बारे में डेडिकेटेड ब्लॉग में बना के आप लोग को दिखाया हूँ, तो अगर आप लोग को देखना है यहाँ का ब्लॉग तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग यहाँ का ब्लॉग पूरा देख सकते हैं, जो कि फुल ब्लॉग मैंने यहाँ का बना के डाला हूँ, पार्क के अंदर पूरा घूम के पूरा दिखा के सब कुछ बना के यहाँ का दिखाया हूँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।